खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस, इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस, अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने और गाइस, इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस, अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज, ये मूवी अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज, जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज, ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज, चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज, मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस, आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने।
और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है।
तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा,
लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है।
तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है बरन यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है Bitrise38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी।
तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पे रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज हुई है 2013 में जो रिलीज हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई
2014 को रिलीज हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है, और नेदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सीन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज हुई है 2013 में जो रिलीज हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है, और नेदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में
भारत के विभाजन के दौरान उम्बेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है, जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज हुई है 2013 में जो रिलीज हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज हुई है TIFF में। तो गाइस अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उम्बेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है, जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा
के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को ये रिलीज मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइस अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को ये रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने।
और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पे रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है, जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज़ अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है।
तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज़ अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज़ जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज़ ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा,
लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को ये रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइस ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइस अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उम्बेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है।
तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उम्बेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी।
तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज़ ये मूवी अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज़ अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज़ जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज़ ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज हुई है 2013 में जो रिलीज हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज मूवी हुई है TIFF में,
और 10 जुलाई 2014 को रिलीज हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज हुई है TIFF में। तो गाइस अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पे रिलीज हुई है। तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरन यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज हुई है 2013 में जो रिलीज हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज हुई है। तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में
भारत के विभाजन के दौरान उमेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिट्राइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा
के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइज अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने। और गाइज इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइज अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन मेहर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। मेहर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइज अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइज मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने।
और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइज ये मूवी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज़ हुई है। ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर रिलीज़ हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज़ हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज़ हुई है, और नैदरलैंड के अंदर रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी महर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊँगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस्सा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनूप सिंह ने, और इस मूवी के राइटर हैं अनूप सिंह और मधुजा मुखर्जी। तो गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जोहान्स रैक्सिन ने और बेटिना ब्रो कैंपर ने। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे इरफान खान, तिलोत्तमा सोम, टिस्का चोपड़ा। तो गाइस अगर इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है सेबेस्टियन एडिस्मिडी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है बरंड यूसेर ने। और गाइस अगर इस मूवी के म्यूजिक की बात की जाए तो इस मूवी में म्यूजिक दिया है बिटराइस 38 ने और मनीष जे टीपू ने। और गाइस अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मूवी 2013 में रिलीज़ हुई है, कुछ बोलेंगे 2014 में रिलीज़ हुई है, और कुछ बोलते हैं कि 2015 में रिलीज़ हुई है। तो गाइस मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ये मूवी जो रिलीज़ हुई है 2013 में जो रिलीज़ हुई है, ये मूवी 8 सितंबर 2013 को रिलीज़ मूवी हुई है TIFF में, और 10 जुलाई 2014 को रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 20 फरवरी 2015 में गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर। तो गाइज ये मूवी अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ हुई है और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है। तो इंडिया में जो रिलीज़ हुई है 2015 को हुई है, और 2014 में रिलीज़ हुई है जर्मनी में, और 2013 में रिलीज़ हुई है TIFF में। तो गाइज अलग अलग टाइम पे और अलग अलग डेट पर रिलीज़ हुई है।
तो गाइस जो इंडिया के अंदर इस मूवी का रनिंग टाइम है, टोटल जो रनिंग टाइम है इस मूवी का 110 मिनट का है। और गाइस ये मूवी रिलीज हुई है, मैं आपको बताता हूँ किस किस कंट्री में रिलीज हुई है। ये मूवी रिलीज हुई है इंडिया के अंदर रिलीज हुई है, जर्मनी के अंदर रिलीज हुई है, फ्रांस के अंदर रिलीज हुई है और नैदरलैंड के अंदर रिलीज हुई है। और इस मूवी की जो इंडिया के अंदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, सन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उमबेर सिंह नाम का एक सिख पंजाबी अपनी पत्नी मेहर और 3 बेटियों के साथ अपना घर खाली कर देता है। वह इस तथ्य से असंतुष्ट है कि उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसका कोई पुत्र नहीं है जिसे अगली पीढ़ी के पुरुषों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि उसे विश्वास है कि अगला बच्चा लड़का होगा, लेकिन महर अनिश्चित और भयभीत है कि अगर उसकी कोई और लड़की है तो उबेर उसे छोड़ देगा। अपने चौथे बच्चे के जन्म के दौरान उबेर बच्चे को गर्भ से लेता है और खुशी से घोषणा करता है कि यह लड़का है। महर बच्चे के लिंग की जांच करती है और उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में एक लड़की है। बेटा पैदा करने की अपनी तीव्र इच्छा के कारण अंबर बच्चे को पुरुष घोषित कर रहा है। वह अंबर से कहती है कि बेटी की इच्छा बच्चे पर थोपने से बेहतर है कि बच्ची को मार डाला जाए। अंबर उसकी उपेक्षा करता है और खुशी से अपने ही इनकार में नए बच्चे को कुंवर सिंह नाम का एक लड़का घोषित करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा, पूरी स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखिए और अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानिए और मूवी को जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिली है। रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो मूवी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।